नमस्कार फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अंग्रेजी शब्दों का साम्राज्य बहुत बड़ा है। अंग्रेजी में लगभग 1,70,000 शब्द है, जिनमें से लगभग 20 से 30,000 ऐसे शब्द है जिसे एक अंग्रेजी के जानकार अपने डे टू डे लाइफ में प्रयोग करते हैं। और यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट है, तब आपको जरूरत होती है 2 से 3,000 ऐसे शब्दों को करना जो लगभग बार बार एग्जाम्स में आते हैं। फ्रेंड्स, शब्दों को रटे नहीं, शब्दों का अध्ययन करें। आपके पास एक अच्छी डिक्शनरी होनी चाहिए। मेरे विचार से यदि आपके पास 21st सेंचुरी चैम्बर्स डिक्शनरी है तो काफी अच्छा है, नहीं तो कोई भी डिक्शनरी चलेगा। किंतु हमेशा एक बात याद रखें कि जो डिक्शनरी होना चाहिए आपकी, वह एडवांस्ड फॉर्म में होनी चाहिए। उसमें किसी भी वर्ड का डिटेल दिया हुआ हो, ये नहीं कि वर्ड दिया हुआ बस उसके अगेंस्ट में सिनोनिम्स है या एंटोनिम्स दिया हुआ, बस उतना तक ही वह वर्ड सीमित है। तब उस तरह के आप जो शब्दकोश है उसे आप नकार देंगे। फ्रेंड्स, शब्दों के लिए डिक्शनरी का जो आप प्रयोग करते हैं उसे आप प्लीज रेफरेंस बुक के रूप में नहीं प्रयोग करेंगे। वह एक किताब के रूप में प्रयुक्त हो तभी अच्छा है। रेफरेंस बुक में आप सिर्फ शब्द देख लेते हैं और उसका मीनिंग देख लेते हैं, या उससे रिलेटेड यदि कोई इडियम एंड फ्रेज होता है तो उसे आप देख लेते हैं, उसके बाद फिर उसे बंद कर देते हैं। किंतु प्लीज ऐसा ना करेंगे। आप क्या करें कि जो डिक्शनरी आप फॉलो कर रहे हैं, एडवांस डिक्शनरी जो आप फॉलो कर रहे हैं, उसके उसमें जो भी वर्ड को आप देख रहे हैं तो उस वर्ड से रिलेटेड आप अलग अलग फीचर्स को जरूर देख लें। जैसे कि हर वर्ड के अगेंस्ट में या उसके बगल में उसके पार्ट ऑफ स्पीच दिए हुए रहते हैं, उसे आप जानेंगे। दूसरा क्या है कि उसका मीनिंग होता है तो उसे भी आप जान लेंगे। तीसरा क्या है कि जो भी आप शब्द देख रहे हैं, यदि वह वर्ब है तो किस तरह का वर्ब है, वो ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो वो भी आप देख लें। इससे आपका ग्रामेटिकल नॉलेज एनहेंस्ड होगी। इसके बाद उस शब्द से रिलेटेड यदि कोई इडियम या फ्रेज बना हुआ है तो उस वह भी आप जरूर देख ले और समझ ले। और अंतिम में यदि उस शब्द का क्वाइनेस दिया हुआ रहता है तो प्लीज वह भी आप देख ले। हालांकि जो भी शब्द आप देख रहे हैं उसका क्वाइनेस, कहने का मतलब व्युत्पत्ति, जरूर ही दिया हुआ रहता है शब्द कोश में, उसे भी आप देखना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसे आप जितना शनै शनै, मतलब स्लोली एंड स्टेडली पढ़ेंगे, जितना आप उसे डाइजेस्ट करके पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप जितना तेजी से कोई भी चीज को आप पढ़ते हैं, यह जरूर है कि वह उतनी ही तेज से हमारे दिमाग से निकल जाता है। एनीवेज फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में दो ऐसे शब्दों का हम लोग डिफरेंस करना सीखेंगे जो काफी इम्पोर्टेंट है आपके डे टू डे लाइफ में या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। फ्रेंड्स, ये जो दो शब्द है वे है एपोजिट और दूसरा है ऑपोजिट। एपोजिट और ऑपोजिट दोनों ही एडजेक्टिव्स है। एपोजिट का जो मतलब होता है अंग्रेजी में, वह होता है बिफिटिंग या फिट या अप्रोप्रिएट या suitable, मतलब हिंदी में हुआ उचित या योग्य। इस पर एक वाक्य आप देख ले, उसने उसे उचित reply दिया, तब वहाँ पर आप कहेंगे कि he gave him an opposite reply, okay? अब हम लोग चलते हैं opposite को समझते हैं। opposite का मतलब होता है on the other hand, नहीं तो entirely different होता है। इसको अगर हिंदी में meaning निकालेंगे तब इसका मीनिंग होगा विपरीत, ओके, या विपरीतार्थक, ओके। अब इस पर एक वाक्य जरूर बना ले कि उसने उसे उल्टा जवाब दिया, तब कहेंगे कि he gave him an opposite reply। तो opposite और opposite में यदि कंफ्यूजन हो तो शायद अब कंफ्यूजन नहीं रहेगी। फ्रेंड्स, opposite जो वर्ड है उसके साथ जो प्रेपोजिशन आता है वह है टू, opposite to something या opposite to somebody। वह अपने पिताजी के opposite है, मतलब कहेंगे कि he is opposite to his father, okay? तो ये रहा opposite और opposite से related difference। आशा करते हैं कि आप दोनों को आप काफी काफी carefully प्रयोग करेंगे अपने day to day life में।
मिलते हैं हम लोग अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।